तो भाई देखो, बढ़िया मैच आ गया है, GIB वर्सेस SER। बहुत कम लोगों को पता है इस मैच के प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि ये टीम दोनों आमने सामने कभी T20 में नहीं आई है, मतलब रिसेंट 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो। और इन्होंने खेला है तो सिर्फ T10 खेला है, ठीक है, और वो भी मतलब T10 में भी बहुत कम ही मैच ये दोनों सामने आए हैं। और मैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन का भी वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है, आराम से टीम बनेगा, ग्रैंड लीग जीतने के बहुत चांसेस हैं इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉलिंग करेगी तो ज़्यादा चांस बनेगा, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी तो भी थोड़ा सा मतलब एक दो चार टीम ज़्यादा बननी पड़ेगी, लेकिन ग्रैंड लीग आ जाएगा। अब रही बात GIB, मतलब जिब्राल्टर वर्सेस सर्बिया, ये दोनों का जो मैच है इसमें वन साइडेड जीत कर जाएगा जिब्राल्टर फॉर श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर पहले जिब्राल्टर बॉलिंग करेगी तो इनके बॉलर मस्ट पिक हो जाएंगे, इनके बॉलर को एक एक करके कैप्टन बनाना। और सर्बिया, इनके दो चार प्लेयर अच्छे हैं, रख लेना टीम में, ठीक है, क्योंकि एक आधा विकेट तो गिरा ही लेंगे ये लोग, मतलब रखो कि 3 से 4 विकेट गिरा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये स्कोर ही नहीं करेंगे, 25-30 रन स्कोर करेंगे, 50 रन स्कोर करेंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार प्लेयर इनके भी रख लेना, और उसी वही दो चार प्लेयर फाइनल करेंगे कि ग्रैंड लीग कौन जीतेगा, तो यही दिक्कत है बस, ठीक है। इनके भी दो चार बॉलर्स रखने हैं अच्छे जो बॉलर हैं, तो चलो टीम देखते हैं। तो जिब्राल्टर के पास 7 से 8 बॉलर ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। स्टेंगो बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन इससे अच्छा विकेट कीपर है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमें इसके बॉलर्स ज़्यादा लेने हैं तो हम पहले बॉलर लेंगे। लेकिन अगर इस जिब्राल्टर की टीम बैटिंग करेगी पहले, तो भाई स्टेंगो को लेकर जाना, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और सर्बिया के बॉलर्स में इतना दम नहीं है कि 50 मारे बिना इन्हें आउट कर दे, ठीक है, मिनिमम 50 मार देंगे ये अगर ये दो चार ओवर खेल लिए तो। कभी कभी ये 2-4 रन पे भी आउट हो जाते हैं, ठीक है, पावर प्ले में ही विकेट दे देंगे तो फिर ये खैर, लेकिन टीम में रखना, कैप्टन भी इसी के बारे में मत सोचना इसके बारे में, ठीक है, हालांकि कभी कभी इन्होंने सेंचुरी भी मारे हैं, तो उस हिसाब से देख लेना, मन हो तो एक आध एक टीम में, सिर्फ एक टीम में इसे कैप्टन दे देना। चलो अब देखते हैं जिब्राल्टर्स के बॉलर्स, देखो एल ब्रूस, इनके सबसे बेहतरीन बॉलर और विकेट टेकर बॉलर, ठीक है, बढ़िया विकेट लेते हैं। नेस्टर, नेस्टर अभी पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे उतना, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर है, इतना अच्छा बैटिंग करते हैं, बिल्कुल तेज खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग कराते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और नीचे आ जाओ फ्रायोन, ये सिर्फ बैटिंग करते हैं, बॉलिंग कराते हैं लेकिन इन्हें जल्दी बॉलिंग दिया नहीं जाता, 1 से 2 ओवर रख लो, उससे ज़्यादा नहीं। आर हैचमैन, इन्हें बॉलिंग मिल जाती है भाई, तो इन पे ध्यान रखना, इन्हें कैप्टनसी दे कर जाना एक आध टीम में, ठीक है, एक टीम में तो दे ही देना, ज़्यादा नहीं दे पाओ तो। पी हैचमैन, ये भी बॉलिंग कराते हैं लेकिन इन्हें जल्दी बॉलिंग नहीं देते हैं, ठीक है, तो इन्हें इग्नोर चाहे तो कर सकते हो, और वैसे ये सारे खेलेंगे नहीं, इसमें से कुछ तो नहीं खेलेंगे। हाँ, ये देखो इनके सेकंड सबसे अच्छे स्पिनर अविनाश पाई, बहुत अच्छा स्पिन डालते हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं, ठीक है। फ्रिजल गार्ड, ठीक है, ये भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और कभी कभी इन्हें इनसे बॉलिंग ही नहीं कराते हैं, तो ये जैसे आई लैटिन है, हो सकता है ये नहीं खेले, अगर ये खेले तो इन्हें भी कैप्टनसी देकर जाना होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार बॉलिंग कराते हैं, विकेट लेते हैं, और भाई बैटिंग तो पूछो मत, ठीक है। वेलन, वेलन ऐसे जल्दी विकेट नहीं लेते हैं, लेकिन भाई जब लेते हैं 2-3 विकेट ले लेते हैं, 1 विकेट नहीं लेते कभी, ठीक है, और बॉलिंग इनकी आ जाती है, 2 ओवर ही आती है लेकिन आती है, और उसमें इन्हें विकेट मिल जाता है,
तो भाई अगर खेलेंगे तो इन सब को एक एक करके एक एक टीम में कैप्टन देना है, ठीक है। अब देखो ए रईस, ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, और लोगों के सबसे ज़्यादा कैप्टन के सिलेक्शन भी इनके होंगे और एल ब्रूस के होंगे, ठीक है। इन दोनों के सबसे ज़्यादा कैप्टन सिलेक्शन होने चाहिए मेरे हिसाब से। और थर्ड पे कैप्टन सिलेक्शन ए पाई का होगा, उसके बाद लैटिन का होगा, ठीक है। और बोधा, बोधा को भी एक दो ओवर मिल जाता है। तो समस्या इस मैच में बस इतनी सी है कि इस मैच में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कितने ओवर डालेगा। लेकिन अगर एक प्रायोरिटी की बात करें, किन किन को ज़्यादातर, ये चारों ही बॉलर हैं और चारों को बॉलिंग मिलेगी। और पिच जो है, पिच भी मतलब बॉलर्स के लिए है, इस पिच पे ज़्यादातर मैचेज हुए हैं। तो इस पे आप देख लो, यूरोप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बॉलर्स को विकेट मिल जाती है, ठीक है। अगर ये पहले बॉलिंग कराएंगे तो भाई सारे ही बॉलर जो भी खेलेंगे इम्पोर्टेंट रहेंगे, इतने सारे तो नहीं खेलेंगे, ठीक है। देख लो स्क्वाड, 12, 14, 16 लोगों का स्क्वाड है, तो इसमें से 5 तो नहीं खेलेंगे, तो आराम से इजी हो जाएगा। जे हेरॉक भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो मतलब कि वो कोई भी बॉल विकेट ले लेगा, और एक एक विकेट इम्पोर्टेंट रहेगा इस मैच में ग्रैंड लीग जीतने के लिए, ठीक है। मात्र वही 30 पॉइंट ही आपको नंबर वन से 100-200 रैंक तक पहुंचा देगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है भैया, ठीक है। तो अगर इनकी पहले बॉलिंग आए तो आंख बंद करके इनके सारे बॉलर्स उठा लेना, ठीक है, और एक प्लेयर छोड़ देना सर्बिया के लिए, समझ गए यहाँ तक। अब देखो सर्बिया का देखते हैं, तो सर्बिया में देखो आई इवेटेक, ठीक है, इवेटेक बढ़िया बॉलिंग करा लेते हैं। दो जिमोनिक हैं, ठीक है, नेमानजा, ये भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, अगर खेलेंगे तो रख लेना, बॉलिंग में आपको कुछ ना कुछ विकेट निकाल कर देंगे। और एक ये जिमोनिक है, इन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, इन्हें ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती और ये विकेट टेकर बॉलर नहीं है, ठीक है। और इधर आ जाओ, ये देखो डजोरिक, ठीक है, ये भी अच्छा मतलब विकेट टेकर बॉलर हैं, अगर ये खेलेंगे तो इन्हें आप रख सकते हो टीम में, ठीक है। और आपको बता दूं सेरेनाक, इन्हें रख लेना, ये भी और बढ़िया बॉलर हैं और विकेट टेकर हैं, और इन्हें 4 ओवर मिलेगा बॉलिंग कराने, अगर पहली बॉलिंग आई तो ही ये लोग विकेट ले पाएंगे। अगर सेकेंड इनिंग में इनकी बॉलिंग आई तो फिर ये विकेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये स्कोर ही उतना नहीं बनाएंगे, 100 रन भी बहुत हो गए इनके लिए। 100 रन मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 70-80 रन में ये निपट जाएंगे, ये बात तय है, ठीक है। इनके बल्लेबाज में दम नहीं है उतना, मतलब पूरी टीम ही कमज़ोर है, बैटिंग बॉलिंग से सब दोनों तरफ से ही। तो एक ये रख लेना, ठीक है, एक ये रख लेना, और एक ये 4 आप रख लेना, ठीक है। अगर आप 7 लोग आपको लेना ज़रूरी है, किसी टीम का 4 लोग लेना ज़रूरी है, तो भाई अगर उधर से 7 लोगे, मतलब बॉलिंग सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से 7 इनके लेने पड़े, और अगर इनकी पहले बैटिंग आई तो आप दनवार को ले लेना, दूसरी टीम के जो है क्या नाम है उनका, स्टैंगो, स्टैंगो जो कीपिंग सेक्शन में, उन्हें आप रहने देना अगर गेब्राल्ट पहले बॉलिंग करेगी तो, ठीक है। तो ये लो फिलहाल, वैसे डेमो टीम बना दे रहा हूँ, लेकिन कोई अभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है लैटिन नहीं खेले और फिजराल्ड भी नहीं खेलने के चांसेस हैं, फिर भी बना दे रहा हूँ, आप सेव करके रख लो, ठीक है। नेस्टर के भी खेलने के कम चांसेस हैं, ये लो फिलहाल के लिए कुछ भी बना दे रहा हूँ टीम, इसे मतलब फाइनल टीम मत समझना, फाइनल टीम अभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि फाइनल टीम के लिए लाइन आउट देखना पड़ेगा, कौन कब बैटिंग कर रहा है, कब बॉलिंग कर रहा है, तो ये सब सोच समझ के हम लोग करेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, ठीक है, प्रायोरिटी क्या है,
कौन से बॉलर को पहले कैप्टनसी बनाना चाहिए, किसे बाद में बनाना चाहिए। तो देखो, अगर आप गिब्राल्ट की बात करो, ठीक है, तो सबसे प्रायोरिटी में आपके कैप्टन होंगे एल ब्रूस, ठीक है, और फिर सेकेंड में आएंगे पाय, ठीक है, थर्ड में बॉलिंग के नज़रिए से देखें तो मीरपुर, ठीक है, मीरपुर को रखना, ये हो गए आपके थर्ड कैप्टन, ठीक है। एक एक करके सबको कैप्टन बनाना, और वॉइस कैप्टन ठीक से रखना है किसे, एल ब्रूस को, ठीक है। एल ब्रूस बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, बढ़िया ओपनिंग करते हैं, तो इनके पॉइंट मिनिमम आप 100 तो लेके ही चलो, ठीक है। कैप्टनसी के सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं की चॉइस है। अब देखो, आप इसमें से आप मतलब रैंकिंग तो मैंने बता ही दी, ए रेज, ठीक है, मीरपुर हो गया थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ए रेज हो गया, तो ऑलराउंडर सेक्शन में एक है, ठीक है, अविनाश पाई, ठीक है, और आपके बैटिंग सेक्शन में एक है लोइस ब्रूस, ठीक है। नेस्टर खेलेंगे तो ये पांचवें नंबर पे कैप्टनसी रखना इन्हें, पांचवी टीम में। एक एक करके एक एक लोग को कैप्टन बनाओ और ग्रैंड लीग जीत ले जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यही करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभी देखो, दो मैच हम लोग मिस किए हैं ग्रैंड लीग, जरा जरा सा एक एक बॉलर के कारण, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि हमें इसी तरह खेलना है और हम इसी तरह से ग्रैंड लीग जीतेंगे। पांच मैच में से दो मैच में जरूर रैंक लेके आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये सेव कर लो, ये रह गई हमारी टीम, ठीक है, ये फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सोचकर मत खेलना, ठीक है। फाइनल टीम मैं आपको दे भी नहीं पाऊंगा, आपको वीडियो देखकर खुद ही बनाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, यार बिल्कुल भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ओके, बाय।